नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे नवरात्रों की, क्योंकि नवरात्रे आ ही रहे हैं। 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक नवरात्रे चलेंगे। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इस बार के नवरात्रि बेहद खास हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते हुए इन नवरात्रों में हमें पूजा कैसे करनी है, ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, वो भी हमें सीमित संसाधनों में करनी होगी, क्योंकि मार्केट से इतना कुछ हमें मिलेगा नहीं। तो जो भी हमारे पास सामान होगा, घर से ही जो सामान होगा, उसी सामान से हम कैसे पूजा करेंगे, या हर किसी के पास एक ऐसा सामान है जिससे आप बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा कर सकते हैं। तो वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 बार आते हैं गुप्त नवरात्रे, और 2 बार नवरात्रे ऐसे आते हैं कि जिसकी सब लोग बड़ी धूमधाम के साथ पूजा अर्चना करते हैं। तो एक बार तो दिवाली से पहले नवरात्रे आते हैं, और एक बार नवरात्रे आते हैं चैत्र मास में, जो कि अभी 25 मार्च से शुरू होंगे, जिसे वासंती नवरात्रि भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से चैत्र नवरात्रि का बड़ा ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ आदि शक्ति ने सृष्टि का आरंभ किया था, इसीलिए इसी दिन से हिंदू पंचांग की पहली तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का आरंभ होता है, और हिंदू नव वर्ष का भी आरंभ इसी दिन से होता है। नवरात्रि का त्योहार 2 बार मनाने के पीछे अगर प्राकृतिक कारणों की बात की जाए, तो आप देखेंगे कि नवरात्रि में दोनों बार ही जो मौसम है वो बदल रहा होता है। हर नवरात्रि आने से पहले, यानी कि दोनों बार नवरात्रि आने से पहले, जो प्रकृति है वो बदल रही होती है। सर्दियाँ आ रही होती है, जो शारदीय नवरात्रि होते हैं उनमें सर्दियाँ आ रही होती है, और जो अब चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं इसमें जो गर्मियां हैं वो आ रही होती है। तो गर्मी और सर्दी के शुरू होने से पहले ही जो ये ऋतु में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, तो प्रकृति माता की इसी शक्ति के उत्सव को आधार मानते हुए हम नवरात्रि का त्यौहार मनाते हैं। और हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें क्या प्रतीत होता है, ऐसा ही होता है कि प्रकृति माता स्वयं इस उत्सव के लिए तैयार होती है। और क्योंकि ना मौसम ठंडा होता है ना गर्म होता है, यानी कि जो मौसम है वो खुशनुमा होता है, तो ये जो मौसम खुशनुमा होता है ये इस त्यौहार का एक और अलग ही मज़ा दे देता है, जो कि हम बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। तो इस बार के नवरात्रि में आपको बता देती हूँ कि मैंने पहले भी बोला है कि इस बार के नवरात्रि बेहद खास हैं। सीमित संसाधनों में हमने माँ शक्ति की पूजा करनी है, अर्चना करनी है। तो हम माँ दुर्गा को, माँ शक्ति को ऐसा क्या चढ़ाएं कि जो माँ दुर्गा है वो अत्यंत प्रसन्न हो जाए। तो 25 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो उस दिन आपको घट स्थापना करनी है, यानी कि आपको कलश स्थापना करनी है। तो सुबह 6:19 से लेकर 7:17 तक जो मुहूर्त है वो शुभ होगा। आप इस दौरान जो घट स्थापना है, कलश स्थापना है, वो कर सकते हैं। तो कलश स्थापना की वीडियो मैं पहले भी बनाई चुकी हूँ, तो आपको जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरा मन तो नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ना तो मेरे पास सामान था, लेकिन और कुछ मेरा मन भी नहीं कर रहा आजकल वीडियोस बनाने का। लेकिन मैंने सोचा कि चलो जो भी है, नवरात्रि के लिए आप लोगों के जो कॉमेंट्स आए जा रहे हैं कि मैम वीडियो बनाओ, तो आप लोगों के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई। तो इस बार मैं आपको सब कुछ दिखाती कि कलश स्थापना मैं कैसे करूँगी, या आपको पूरी पूजा कैसे करनी है। लेकिन कोरोना के चलते हुए आपको भी पता है कि सारी जो मार्केट है वो बंद है, सामान नहीं मिला मुझे। मुझे ठाकुर जी की ड्रेस भी लेकर आनी थी, उनकी पोशाक जो है वो मुझे बदलनी थी, तो मुझे वो भी नहीं मिली है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें सीमित संसाधनों में रहकर माँ की पूजा अर्चना कैसे करनी है। तो इस बार के नवरात्रे इसलिए बेहद खास हैं, जैसे गुप्त नवरात्रों में हमें चुप रहकर गुप्त तरीके से पूजा की जा करनी होती है, उसमें हमें तंत्र मंत्र से साधना करनी होती है। तो इस बार आपको ये मौका मिला है कि आपको गुप्त तरीके से माँ शक्ति की कैसे पूजा करनी है, ताकि जो विश्व पे
ये जो संकट छाया हुआ है, जो हमारे भारत देश पर भी संकट छाया हुआ है, तो उसको हम अपनी पूजा के जरिए, अपनी आदि शक्ति को प्रसन्न करके उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको कलश स्थापना करनी है, तो आप अपने कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है, आपके घर में कलश होता है, यानी कि लोटा होता है, जल तो हर घर में होता ही है। हमारे किचन में आपको लौंग, इलायची, सुपारी, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं हमारी किचन से ही निकल कर आती हैं, कपूर भी हम अपनी पूजा में रखते हैं, धूप दीप भी रखते हैं, ये सब हमारे घर में है, तो हम इन्हीं से ही पूजा करेंगे। कलश में पानी रखेंगे, लेकिन हम अगर स्थापित करेंगे तो हम अपने मन रूपी कलश को स्थापित करेंगे, और मन रूपी कलश के अंदर हम अपने विचारों के जरिए हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करके हम अपने मन के अंदर बिठाएंगे, कलश स्थापना करेंगे। और जो मैं कह रही थी कि माता को ऐसा क्या भोग लगाएंगे कि जो माँ जल्दी प्रसन्न हो, और ऐसे कौन से फूल चढ़ाएंगे कि जो माँ जल्दी प्रसन्न हो, क्योंकि आपको जो फूल हैं वो मार्केट से नहीं मिलेंगे। अगर आप भोग के लिए सामान घर पर भी बनाएंगे तो आपको भी जो सीमित से चीज़ें हैं वो ही मिलेंगी। तो आप अपने भावों के जरिए माँ रानी को प्रसन्न करें, अपने भाव का भोग लगाएं, और अपने श्रद्धा के फूल माँ को अर्पित करें, क्योंकि आपको ये मौका पहली बार मिला है। क्योंकि हम माँ शक्ति की पूजा करके अपनी ऊर्जा बढ़ाएं, ताकि जो हमारी ऊर्जा है वो एक सकारात्मक ऊर्जा बने, जो जन कल्याण के लिए काम आए, विश्व कल्याण के लिए काम आए, और जो हमारा भारत देश पे जो मुसीबत आई हुई है उसके लिए काम आए। फिर कुछ एक ने पूछा कि मैम, नवरात्रि के दौरान हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? तो लड्डू गोपाल जी की सेवा जैसे आप हमेशा करते आए हैं, आपको वैसे ही करनी है। लेकिन इस बार जो आपको सेवा करनी है वो मानव सेवा करनी है। मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर है, और जो हमारा राष्ट्र धर्म है वो सबसे ऊपर है। तो फिर से मैं आपको यही बोलती हूँ कि आप अपने घर से कम 15 से 20 दिन के लिए कम से कम निकलें, क्योंकि हमारे देश पर जो ये बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है, अगर अपने घर में अभी नहीं रुके तो शायद हम अपने जीवन में रुक ही नहीं पाएंगे। तो अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको इन 15 दिनों के लिए अपने घर में रुकना होगा। ये 9 नवरात्रे जो आए हैं ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, कि माँ शक्ति भी चाहती है कि आप बिल्कुल गुप्त रूप से उनकी पूजा करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। आप देखेंगे कि जो कोरोना आया है ये कुछ बदलाव चाहता है। ये जो प्रकृति है, मौसम तो बदल ही रहा है, प्रकृति भी बदल रही है, लेकिन हमसे भी ये कुछ चाह रही है। और माँ दुर्गा, जो माँ की हम आराधना करेंगे, वो भी हमसे कुछ मांग रही है। हर बार हम माँ से मांगते हैं, लेकिन इस बार जो माँ दुर्गा है वो हमसे मांग रही है, हमारे शुद्ध भाव मांग रही है, हमारा सहयोग मांग रही है, हमारे देश के लिए श्रद्धा के फूल मांग रही है, जिसके अंदर कोई भी छल नहीं है, कोई भी कपट नहीं है। तो इस बार जो हमें माँ शक्ति की पूजा करनी है, निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से पूजा करनी है, अपने भावों का प्रसाद चढ़ाना है, श्रद्धा के फूल चढ़ाना है, और ये प्रण करेंगे कि हमने मानव सेवा करनी है, हमारे देश के लिए सेवा करनी है। देश की सेवा यही है कि घर से कम निकलें, और दूसरों को भी यही कहें कि आप घर से कम निकलें। तो भोग आप अपने घर में जो आप अपने व्रत के लिए बनाएंगे, वो माँ दुर्गा के वही भोग लगाएंगे, गोपाल जी के भी वही भोग लगाएंगे। और कुछ लोग पूछते हैं कि मैम, इस बार मंदिर नहीं जा पाएंगे तो क्या करेंगे? तो फिर से कह रही हूँ, अगर मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पूरा परिवार पहली बार मौका मिल रहा है कि पूरा परिवार बैठ के पूजा करें, अर्चना करें, और सिर्फ प्रार्थना करें कि इस संकट की घड़ी से कैसे निकला जाए। तो प्रार्थना के सिवा और कोई चारा नहीं है, और एक बचाव यही है कि हम दूसरों के संपर्क में कम से कम आएं, अपने घर से कम बाहर निकलें। अभी तो थोड़े दिनों की बात है, फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम कभी निकल ही ना पाएं। तो इस वक्त हमें माँ दुर्गा की करुणा चाहिए, वो बदलाव चाह रही है। तो इस बार के नवरात्र में आप देख रहे हैं कि प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है, और आपको अपने आप को कैसे बैलेंस करना है।
तो ये आप पर है, घर में रहकर पूजा करें, पाठ करें। तो आप एक चौकी लगाएं, उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो या अगर आपके पास मूर्ति है तो वो विराजमान करें वहाँ पर। कलश की स्थापना करें, देसी घी का दिया जलाएं, लौंग इलायची घर में होती है तो आप एक मिट्टी का दिया लें या पीतल का दिया लें या कोई भी दिया आपके पास है, उसके ऊपर आप कपूर रखें और एक लौंग का जोड़ा जरूर जलाएं, तो इससे जो वातावरण है उसमें भी शुद्धि होगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें और दुर्गा चालीसा भी पढ़ें, माँ दुर्गा की आरती करें। अगर आपको एक माला करनी है तो चंदन की माला से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की माला करें या ओम दुर्गाई नमः बोल लें, सीधा सा मंत्र है। और माँ से प्रार्थना करें, जो भोग आप अपने घर में बनाते हैं उसी का भोग लगाएं। फल का भोग लगता है, ड्राई फ्रूट का भोग लगता है या व्रत में जो आप खाते हैं उसका भोग लगाएं। और इस बार की प्रार्थना में आपने अपनी माँ को क्या कहना है कि हे माँ, हम मिट्टी के बने हुए तेरे खिलौने हैं, लेकिन आप थोड़ा आहिस्ता से हमें खिलाएं, क्योंकि हमें पता है आप प्रकृति का बैलेंस करने में लगे हुए हैं, तो आप अपनी करुणा हम पर बनाए रखें। तो ये थी नवरात्रि के ऊपर वीडियो कि आपको पूजा कैसे करनी है, क्योंकि मेरे पास सामान नहीं था तो मैं वीडियो नहीं दिखा पाई, लेकिन अपने भावों के जरिए पूजा करें वो बेहतर होगी। अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाएंगे तो माँ अधिक प्रसन्न होगी। दूसरों की सेवा में लगे रहें, बाहर ना निकलकर भी आप एक बहुत बड़ी सेवा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें और मुझे बताएं कि आगे आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।